आज हम आपको ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त था और जिनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। परमहंस पंडित गणेश नारायण जी, जो कि राजस्थान के सिकावटी में रहते थे, लोग प्यार से उन्हें बावलिया मतलब पागल बाबा भी कहते थे, जिन्हें माँ दुर्गा ने स्वयं दर्शन दिए थे और शिव भगवान की आराधना करने का आदेश भी दिया था। सन 1903 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में जन्मे गणेश नारायण जी को बचपन से ही अघोर पंथ की तरफ श्रद्धा थी। लेकिन सन 1942 में एक बड़ा मोड़ आया। परमहंस गणेश नारायण जी को झुंझुनू के परिवार वालों ने कहा कि आप माँ दुर्गा की आराधना करें एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। गणेश जी पूरे 9 दिनों के लिए एक पास के शिवालय में माता की आराधना में लीन हो गए। ठीक 9वें दिन जब माँ दुर्गा जी दर्शन दे रही थी तो किसी ने दरवाजा खोल दिया। हालांकि इससे पहले माँ दुर्गा ने गणेश नारायण जी को दर्शन दे दिया था और भगवान शिव जी की आराधना के साथ साथ उन्हें भविष्य देखने का भी वरदान दिया था। इसके बाद गणेश नारायण जी का पूरा जीवन माँ दुर्गा एवं शिव भगवान की आराधना को समर्पित हो गया। धीरे धीरे उनकी भक्ति की साधना का प्रताप चारों तरफ फैलने लगा। उनका हर आशीर्वाद लोगों के जीवन को बदलने लगा। उनकी प्रसिद्धि और सिद्धि के कारण लोग उन्हें परमहंस कहने लगे। चूंकि वो अघोर पंथ के अनुसरण करते थे, इसलिए उनके जीवन शैली बड़ी ही प्रचलित थी। गणेश नारायण जी भगवती दुर्गा के परम भक्त तथा दुर्गा मंत्रों का हर वक्त जाप किया करते थे। उनके मुँह से उस वक्त जो भी बात निकल जाती थी वो सत्य हो जाती थी। ये चमत्कार देख के कई लोग परम भक्त बन गए थे। वहीं कई लोग उनसे डरते भी थे, क्योंकि वो अनिश घटना वाली घटना को भी पूर्व संकेत कर देते थे। सच्चे साधक होने के उपरांत भी दुनिया उन्हें पागल मानती थी। ये सदैव लोगों से दूर रहने का प्रयत्न करते थे। औरतें और बच्चे तो उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि इनकी वेशभूषा ही ऐसी थी। समाज में बहिष्कृत तथा शास्त्रों में निषिद्ध नीले रंग के वस्त्रों का ही गणेश नारायण जी प्रयोग करते थे। ये सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे। ये कभी संसार में लौट आते थे तो कभी पास के भुगुनिया झोले में बैठे रहते थे। भोजन करते समय कुत्ते और कौओं को भी साथ में रखते थे। ये कुत्तों के मुँह से टपकते हड्डियों में पड़े पदार्थों को पहले गोदाम में लगा के बड़ी खुशी से ग्रहण करते थे। इनकी दृष्टि में किसी भी पदार्थ में प्रति घृणा नहीं थी, इसी वजह से लोग इन्हें बवलिया बाबा भी कहने लगे थे। बाद वो पास के शहर चिड़ावा आ गए और वहीं पर रहने लगे। उनके प्रमुख शिष्यों में से खीटरी के अजीत सिंह महाराज जी थे, जिन्होंने विवेकानंद जी को अपने खर्चे से शिकागो भेजा था। आज बिरला परिवार में भगवान से पहले परमहंस गणेश नारायण जी की पूजा की जाती है। इसके पीछे उनकी भविष्यवाणी की सिद्धि की प्रमुख वजह है। उन्होंने बिरला परिवार को ऐसा आशीर्वाद दिया था जिसकी वजह से आज भी बिरला परिवार देश के सबसे धनक परिवारों में से एक है। पिलानी निवासी सेठ जुगल किशोर बिरला से परमहंस का विशेष स्नेह था तथा उनके आशीर्वाद से ही बिरला परिवार उद्योग व्यापार के हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक बार पंडित जी ने कहा कि जा जुगल किशोर, कमाने निकल जा, आज तेरा शुभ दिन है। पंडित जी की आज्ञा मानकर सेठ जी कलकत्ता की ओर चल दिए। सेठ जी को रास्ते के दाहिनी तरफ एक फन फैलाए काला सांप मिला, जो शुभ शगुन था, मगर सेठ जी उसे अपशगुन मानकर वापस लौट आए और पंडित जी को पूरी घटना बताई। पंडित जी बोले, जुगल किशोर तुमने तो भारी गलती कर दी, यदि तुम चले जाते तो चक्रवर्ती सम्राट बनते। जाओ, अभी तुम यशस्वी बनोगे, अपनी करनी बननी बंद मत होने देना, सदैव चालू रखना। बिरला परिवार का नाम इसी प्रकार देश के प्रमुख उद्योगपतियों में गिना जाता है। ऐसे चमत्कार पूर्ण बातों से ही परमहंस के प्रति श्रद्धालुओं की भक्ति बढ़ती गई। इनके भक्तजन देश के सभी भागों में रहते हैं एवं इनके मनमौजी स्वभाव कारण इन्हें लोग बवलिया संत भी कहते हैं।